एप्रिल एक रे दिन एगारटा समय देशर परीक्षार्थी अनुष्ठित होगाकूँ बहु प्रतीक्षित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा भागीदारी पार्टिसिपेटरी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न बोर्ड परीक्षा पर प्रस्तुत होता विद्यार्थी वार्तालाप कर मार्गदर्शन कराइबे। यह हेउछि परीक्षा पे चर्चार पंचम संस्करण। एप्रिल एक रे दिल्लीर तलाकुटा स्टेडियम अनुष्ठित हो कोविड कटकणा को आखि आगे रखी केवल दिल्ली एनसीआर यूपी हरियाणा रा 1000 विद्यार्थी को कार्यक्रम में भाग नेबा पाई निमंत्रण करा जाय छि। देश विदेश अन्य विद्यार्थी माने किपर यार अंशदार हो पारे से लाइव स्ट्रीमिंग अन्यान्य व्यवस्था करा जाय छि। ए बाबद सविशेष सूचना प्रदान कर केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। परीक्षा पे चर्चा फिफ्थ संस्करण फिफ्थ एडिशन 1 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक यूनिक इनोवेटिव आउटरीच की उपक्रम है। भारत की भविष्य की पीढ़ी को नई पीढ़ी को एक गार्डियन के भूमिका में अभिभावक की भूमिका में बड़े भाई की भूमिका में दादा की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहजता लाने के लिए हम जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में सब अभ्यस्त हैं हम सभी के मन में परीक्षा एक मॉडर्न के रूप में माना जाता है। हम सभी विद्यार्थी रहे अभी भी इंटरव्यू वगैरह कभी अन्य कोई नौकरी के लिए अन्य कोई टीवी चैनल और मीडिया हाउस के लिए आप भी देते हैं हम भी देते हैं एग्जामिनेशन नाम सुनते ही एक घबराहट आती है। ये एक सोशियो साइकोलॉजिकल चैलेंज है उसमें कई प्रकार की एक्सपेरिमेंट भी पिछले दिनों में हुए हैं। सिलेबस को घटाना एग्जामिनेशन पैटर्न पे कुछ परिवर्तन करना कई कई इनिशिएटिव समय समय पे होते आई है। पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक इनोवेटिव तरीका निकाला काउंसलिंग का हैंड होल्डिंग का एक यूनिक एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया है और उसको स्वयं वो खुद लीड करते हैं। एग्जाम वॉरियर उन्होंने किताब लाया परीक्षा की पहले बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए डिस्ट्रेस करने के लिए ईज डेवलप करने के लिए कंफर्टेबल डेवलप करने के लिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए उन्होंने परीक्षा पे चर्चा करके एक यूनिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैं आज आपके सामने इसकी जानकारी देना उचित मानता हूं। धीरे धीरे ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के रूप लेने लगा है।